ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है। नमस्कार, मैं हूं मनीष पांडे और आप देख रहे हैं सरल भारत न्यूज। कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल में युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ और इसमें जीत हुई भारत की। कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु मनाया जाता है। ऐसे ही एक शहीद थे हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा। या तो मैं लहराते तिरंगे के पीछे आऊंगा या तिरंगे में लिपटा हुआ आऊंगा, पर मैं आऊंगा जरूर। यह शब्द भारत के परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा के हैं, जिन्हें कारगिल युद्ध में इंपॉर्टेंट पॉइंट 5140 को कैप्चर करने के बाद उनकी वीरता को देखते हुए उन्हें युद्ध के बीच में ही लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा को 5140 पॉइंट जीतने के बाद 4875 को फतेह करने के लिए कहा गया। निडर साहसी पराक्रमी कैप्टन विक्रम बत्रा 80 डिग्री ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो गए। चोटी पर भारतीय सेना का लगभग कब्जा हो गया था। बहादुरी से लड़ते हुए कैप्टन बत्रा ने चोटी तो आजाद करवा ली। मिशन पूरा होने के बाद कैप्टन विक्रम की नजर अपने जूनियर साथी लेफ्टिनेंट नवीन पर पड़ी, जिसका पांव दुश्मन द्वारा फेंके ग्रेनेड से बुरी तरह जख्मी हो गया था। कैप्टन बत्रा नवीन को कंधे पर उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जा रहे थे, तभी पाक सैनिकों ने उन पर हमला बोल दिया तथा एक गोली उनके सीने को भेदते हुए निकल गई। वह खून से लथपथ हो गए, मगर साथी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के बाद भी पाक सेना के 5 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और वहीं वीरगति को प्राप्त हो गए। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 24 वर्ष की थी। उस वक्त के इंडियन आर्मी चीफ वेद प्रकाश मलिक ने कहा था कि अगर वह जिंदा वापस आता तो इंडियन आर्मी का हेड बन गया होता। इतना ही नहीं, कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी के किस्से भारत में ही नहीं सुनाए जाते, पाकिस्तान आर्मी भी उन्हें शेरशाह कहा करती थी। तो ये थी कहानी हमारे वीर बहादुर जवान कैप्टन विक्रम बत्रा की। आज कारगिल विजय दिवस है। पूरे सरल भारत टीम की तरफ से सभी शहीदों को सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर आपसे एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक दीजिए मुझे मनीष पांडे को इजाजत। नमस्कार।